हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर्स लेंस। मैं अभी हूँ धोत्रे में, जो कि एक खूबसूरत छोटा सा गांव है सिंगालीला नेशनल पार्क के भीतर। ये गांव दार्जिलिंग से 40 किलोमीटर और एनजीपी से लगभग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इस गांव का हाइट है 8,300 फीट। धोत्रे हमारे सांदकफू ट्रेक का पहला स्टॉप है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोलकाता से धोत्रे हम कैसे पहुंचे, यहाँ पे कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, धोत्रे का व्यू कैसा है। तो सारा डिटेल्स पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज का व्लॉग मेरे सांदकफू ट्रेक का पहला व्लॉग है। जैसे जैसे हम सांदकफू ट्रेक में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी। सांदकफू ट्रेक का मेरा पूरा एक्सपीरियंस जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एकदम फ्री है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। हम जा रहे हैं शियालदा स्टेशन। शियालदा से रात 10:05 पे हमारा ट्रेन है न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। शियालदा से न्यू जलपाईगुड़ी का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 580 किलोमीटर। रात के ठीक 10:05 पे ट्रेन निकल पड़ी है शियालदा से। थ्री टायर एसी में एक जन का टिकट का भाड़ा लगा है 1200 रुपए। हम पहुंच गए हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। अभी सुबह के 8:40 हो रहे हैं। हमने पहले से गाड़ी बुक करके रखा है, जो हमको यहाँ से पिक करके धोत्रे के होमस्टे तक लेके जाएगी। कार का भाड़ा लगा है 5,000 रुपए। अगर आप शेयर टैक्सी में धोत्रे पहुंचना चाहते हैं, तो एनजीपी रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर दार्जिलिंग मोड़ पहुंच जाइए। वहां से रिम्बिक जाने वाली शेयर टैक्सी लेके धोत्रे पहुंच सकते हैं। शेयर टैक्सी में एक जन का भाड़ा लगता है 300 रुपए के आसपास। शेयर टैक्सी लेने के लिए आपको दोपहर के 1 बजे से पहले दार्जिलिंग मोड़ पहुंचना होगा। हम पहुंच गए हैं दुधिया बाजार। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आसपास जो खूबसूरत टी गार्डन सब देख रहे हो, इस जगह का नाम है मिरिक। मिरिक दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का एक खूबसूरत हिल टाउन है और बहुत ही पॉपुलर है एज अ टूरिस्ट स्पॉट। हम अभी आए हैं गोपालधारा टी स्टेट, जो कि मिरिक में है। यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं, आज थोड़ा मेमोरी रिलीव करने आए हैं। थोड़ा फोटो फोटो लेंगे फिर जाएंगे वापस। गरम जल नहीं चीज बोलू क्या ना चा खावो गोगोल एवं चा चा खावे हमारे। देखो इतना हमारे बाबा, इतना हमारे बाबा, तार बाबा, पास एक तो हमारे ससुर है। चाय चाय चाय।
क्या ले लो, क्या ले लो, बिस्किट मिलेगा साथ में? ओनली चाय। हम पहुंच गए हैं माने भंजन। आप चाहे तो माने भंजन से भी सांदकफू के लिए ट्रेक स्टार्ट कर सकते हैं। ये है माने भंजन का टैक्सी स्टैंड। अगर आप गाड़ी लेके सांदकफू पहुंचना चाहते हैं तो आपको इस काउंटर से लैंड रोवर या तो फिर बोलेरो बुक करना होगा। ये काउंटर टैक्सी स्टैंड के एकदम पास है। माने भंजन से सांदकफू अप एंड डाउन एक रिजर्व गाड़ी का भाड़ा है 4,500 रुपये और आप जितने दिन स्टे करेंगे ऑन द वे उसके लिए 1,000 रुपए पर डे। ये है माने भंजन चेक पोस्ट। यहाँ से सांदकफू के लिए ट्रेक स्टार्ट होता है। टोटल डिस्टेंस है 31 किलोमीटर्स। इस चेक पोस्ट के ठीक ऑपोजिट में ही है ये विजिटर सेंटर। यहाँ से आपको सिंगालीला नेशनल पार्क के लिए परमिट कलेक्ट करना होगा। इंडियंस के लिए परमिट चार्ज है 120 रुपए। माने भंजन में स्टे करने के लिए आपको होटल्स और होमस्टेज मिल जाएंगे। माने भंजन से धोत्रे का डिस्टेंस है लगभग 18 किलोमीटर। हम फाइनली पहुंच गए हैं धोत्रे। ये हमारे ड्राइवर दादा है, हमको एनजीपी से धोते तक लेके आए, फिर वापस जाने के टाइम पे हमको शिकोला से पिक करके बागडोगरा तक लेके जाएंगे। तो इनका नाम और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही अच्छे हैं, हमको अच्छे से लेके आए और बातें करते हुए, और इनका गाना का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है जो मुझे बहुत पसंद आया। तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो होपफुली आपका भी अच्छा रहेगा। तो हाँ, और किसी भी आने टाइम से पहले जब फोन करने से और कांटेक्ट करने से हम सब अरेंज कर देगा। लाइक एज अ ऑर्गेनाइजर भी हूँ। अच्छा, सब लोग हम आराम से घूमते हाँ। इधर का जो जो एक्सपीरियंस लेके जा सकते हैं। अच्छा। हेलो आंटी, इस होमस्टे का नाम है शेरपा निवास होमस्टे। फूडिंग और लॉजिंग मिला के यहाँ पे एक दिन के लिए एक जन का भाड़ा है 1,000 रुपए। विंडो से बाहर का काफी अच्छा व्यू मिल रहा है।
बाथरूम में कोई गीजर नहीं है, रिक्वेस्ट करने पे बकेट में गर्म पानी दे देते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। चलिए आपको दिखा देती हूँ इस होमस्टे के टेरेस से कैसा व्यू मिलता है। आसमान क्लियर रहने से इस जगह पे कांचनजंगा का अच्छा व्यू मिलता है। इस होमस्टे को बुक करने का फोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लंच करने के बाद हम निकल पड़े हैं हमारे गाइड के साथ इस गांव में घूमने। पहले हम पहुंचे फूलों से सजा हुआ एक छोटा सा सुंदर मॉनेस्ट्री देखने। इस गांव में कुछ दुकानें हैं जहां पे आपको खाने पीने की चीजें जैसे कि मोमो, थुप्पा, चाय, कॉफी ये सब मिल जाएंगी। अगर आपको बिस्किट्स, पानी का बॉटल ये सब चीजें भी चाहिए तो उसके लिए भी कुछ दुकानें हैं। हम अभी जा रहे हैं एक शिव मंदिर देखने। खूबसूरत पिंक रोडोडेंड्रंस, ये फूल मार्च से मई महीने के बीच में खिलते हैं। इस जगह से धोत्रे गांव का एक बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है। शिव मंदिर के ठीक बगल में ही है ये धोत्रे मॉनेस्ट्री। चलिए अंदर जाके देखते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को सांदाकू ट्रिक का ये पहला व्लॉग, मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप पहले से सांदाकू आ चुके हैं तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कल हम जाएंगे धोत्रे से टुमलिंग, तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी उस व्लॉग में। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड टेक केयर।